हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षा कैसे हैं आप सब आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स एमसीक्यूज़ ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल करेंगे कंटिन्यू ऑलराइट एंड दिस विल बी द एट्थ लेक्चर सेवन लेक्चर ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर ओके एंड रेलिवेंट क्वेश्चन जो यू पी एस सी पी एफ़ ओ में पूछे जा सकते हैं वो कवर कर रहे हैं यहाँ पर हालाँकि ये बाकी एग्जाम्स में भी अगर आप सिविल सर्विसेज स्टेट सर्विसेज या जनरल स्टडीज़ के जो बाकी एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें जनरल स्टडीज़ कॉम्पोनेंट रहता है हिस्ट्री से रिलेटेड वहाँ पर आपको काम आएंगे सवाल ओके okay? चलिए तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पढ़ने से पहले काफ़ी ये एक कन्फ्लिक्ट जो है माइंड में रहता है कि यार और ये मिसकनसेप्शन मेरे हिसाब से जो क्रिएट किया है ये ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स ने और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने क्रिएट किया है रिलेटेड टू योर यू पी एस सी पी एफ ओ एग्ज़ाम एंड द मिथ इज़ दैट द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एटीन फिफ्टी सेवन के रिवोल्ट से ही आपका सिलेबस स्टार्ट होगा ऐसा बोल दिया गया है इन्होंने पर आपका जो यू पी एस सी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ई पी एफ ओ का वहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है कि इंडियन हिस्ट्री आफ्टर एटीन फिफ्टी सेवन वहाँ पर लिखा गया है फ्रीडम स्ट्रगल ठीक है फ्रीडम स्ट्रगल और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग फ्रीडम स्ट्रगल की कहती है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की कहती है तो इसमें ऑटोमेटिकली आपका जो कॉलोनाइजेशन वाला पार्ट आता है ठीक है जब ब्रिटिशर्स आपको कॉलोनाइज कर रहे थे जो सारा प्रोसेस था कॉलोनाइजेशन का वो इसके अंडर आ जाता है 1857 से पहले जितने रिवोल्ट थे वो इसमें आ जाते हैं ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो सोशल रिफॉर्म्स हुए वो इसमें आ जाते हैं ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो इकोनॉमिक ड्रेनेज हुआ या जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इंडिया ने फेस की वो इसमें आ जाती है ठीक है तो एक बहुत नैरो व्यू आप लेकर के चलोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि यूपीएससी की आदत यही है यूपीएससी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ब्रॉडली सिलेबस को डिफाइन नहीं करता है ठीक है तो हमें तैयार रहना है इसीलिए मैं आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो है 1857 से पहले के भी करा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये क्वेश्चन जो है आपका मेनली दो इम्पॉर्टेंट बैटल्स से कंसर्नड है और वो दो इम्पॉर्टेंट बैटल्स आपके इस क्वेश्चन के थ्रू जब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे डिटेल में डिस्कस हो जाएंगे तो अगर आपने जहाँ से भी कोर्स लिया है यू पी का किसी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोर्स लिया हुआ है तो उन्होंने शायद ना कवर हो किया हो तो चिंता मत करो यहाँ पर इस क्वेश्चन में उन दो बैटल्स से रिलेटेड में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो सवाल में पूछे जा सकते हैं वो कवर कर दूंगा तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड आपको uh, ये तीन स्टेटमेंट्स गिवन है और आपने करेक्ट बतानी है करेक्ट के ऊपर सर्कल लगा लेना जैसे मैंने आपको पहले भी समझाई है ये चीज़ें पहली स्टेटमेंट क्या कहती है कि द ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ नवाब ऑफ बंगाल नवाब ऑफ अवध एंड मुगल एम्पर एट द बैटल ऑफ प्लासे यानी कि ये तीन लोग थे एक साइड पर और एक साइड पर थे आपके अंग्रेज ठीक है ऑप्शन टू क्या कहता है इन बंगाल कठपुतली नवाब बंगाल में जो स्टेप था इंस्टॉल करने का ईस्ट इंडिया कंपनी का इट स्टार्टेड आफ्ट द बैटल ऑफ प्लासे एंड इट वॉज हाई ली सक्सेसफुल बैटल ऑफ प्लासे के बाद से जो ये इंस्टॉलिंग ऑफ पपेट न सिस्टम था काफी सक्सेसफुल रहा ऑप्शन थर्ड कहता है कि इट वॉज ग्रांटेड दिवानी राइट ऑन द प्रोविसेज ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा दीवानी राइट बेसिकली क्या होता था और आप इसको कह सकते हो टैक्स कलेक्शन राइट्स लैंड टैक्स कलेक्शन राइट्स All right, तो इसको आप दीवानी कह सकते हो तो दीवानी राइट्स इनको मिल गए बंगाल बिहार और उड़ीसा में मुगल से आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1765 बताना है आपको तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये तीनों स्टेटमेंट्स इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि इंडिविजुअली भी क्वेश्चन में पूछी जा सकती है और जब हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि और क्या क्या क्वेश्चन में से बन सकते हैं हाल फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका देखो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है ठीक है क्योंकि जो कंबाइंड फोर्सेस के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल लड़ा था लड़ा था इन तीनों के साथ भी नवाबा बंगाल नवाब फवध और मुगल एम्प्रर पर वो बैटल ऑफ प्लासे नहीं था वो बैटल ऑफ बक्सर था ठीक है उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया ठीक है तो जिस भी ऑप्शन में बनने में उसको उड़ा देता हूँ यानी कि मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं सी और डी सी में थ्री ओनली है डी में टू एंड थ्री ओनली है तो मुझे डेफिनेटली पता है कि थर्ड स्टेटमेंट तो सही है ही है कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद इनको दीवानी राइट्स मिल गए बंगाल बिहार और उड़ीसा के तो उसमें मेरे को ज़्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है मुझे पता करना है कि सेकंड स्टेटमेंट सही है या नहीं सही है तो क्या जो ये पपेट नवाब्स इंस्टॉल करने शुरू किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने आफ्टर बैटल ऑफ ये सक्सेसफुल था तो ये स्टेटमेंट गलत है अगर ये कंसेप्ट सक्सेसफुल होता तो शायद बैटल ऑफ बक्सर लड़ने की जरूरत ही ना पड़ती बैटल ऑफ बक्सर जो है कंपनी को फाइट ही इसीलिए करना पड़ा क्योंकि ये पपेट नवाब्स जो है कंपनी के कंट्रोल में काम नहीं कर रहे थे ओके सो अल्टीमेटली ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग एंड द फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन सी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन देखते हैं आप तो स्टेटमेंट मन मैंने आपको बताया कि इनकरेक्ट है बैटल ऑफ बक्सर जो है इसमें कंपनी ने कंबाइंड फोर्सेस ऑफ नवाब ऑफ बंगाल अवध और मुगल एम्प्र को हराया था ठीक है बैटल ऑफ प्लासे में नहीं बैटल ऑफ प्लासे में कंपनी ने किसको डिफीट किया था बैटल ऑफ प्लासे में डिफीट किया था नवाब ऑफ बंगाल जो उस समय कौन थे सिराज उद्दौला देखो सीधा सीधा सवाल अब पूछा जा सकता है कि द बैटल ऑफ प्लासे फॉट बिटवीन कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल हुज नेम हुआ ठीक है चार नाम दे देंगे आपको नवाब ऑफ बंगाल्स के और उनमें से एक आंसर होगा एंड दैट विल बी सिराजुद्दौला एक क्वेश्चन तो यहाँ पर ये यह डायरेक्ट बन जाता है ठीक है दूसरा एक ये इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं कि भाई बैटल ऑफ बक्सर में इनमें से कंपनी के अगेंस्ट कौन कौन था नवाब ऑफ बंगाल नवाब ऑफ आबाद मुगल एम्प्रर एक ऑप्शन दे देंगे नवाब ऑफ हैदराबाद तो आपको पता होना चाहिए कि ये तीन लोग थे ये भी एक क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है ऑल अब सिराजुद्दौला क्यों हारा स्टोरी समझना ज़रूरी है याद करना आसान रहता है सिराजुद्दौला इसीलिए हारा क्योंकि मीर जाफर को पैसे खिला दिए थे कंपनी ने करप्शन उस समय भी था हिंदुस्तान में मीर जाफर जो था वो कमांडर था सिराजुद्दौला की फ़ौज का और मीर जाफर को कंपनी ने पैसे खिला दिए कि जब जंग के मैदान में हम आमने सामने होंगे तब तू अपनी सेना को लड़ने से मना कर देना और ऐसा ही हुआ ओके okay, अल्टीमेटली ऐसा ही हुआ और इसी वजह से सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लासे हार गया और अल्टीमेटली उसको जो है सजाए मौत दे दी गई और बैटल ऑफ प्लासे इतना ज्यादा फेमस इसीलिए है क्योंकि ये कंपनी की मेजर वन ऑफ द फर्स्ट मेजर विक्ट्री थी आ, इंडिया में और इसके बाद जो है एक तरह से कॉलोनाइजेशन का बहुत फास्ट प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया ठीक है अब स्टेटमेंट टू की अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट टू में लिखा था कि पपेट नवाब इंस्टॉल करने शुरू कर दिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने और वो सक्सेसफुल रहा ठीक है देखो ये तो बिल्कुल सही है कि सिराजुद्दौला को हराने के बाद कंपनी अभी मूड में नहीं थी कि वो खुद से राज करे कंपनी ये नहीं चाहती थी कि वो गद्दी पे कोई गोरा बाबू बैठे कंपनी को बस धंधा करना था बिजनेस करना था कंपनी आई इसीलिए थी प्रॉफिट कमाने के लिए आई थी कंपनी रूल करने के लिए नहीं आई थी तो उन्होंने कहा कि यार रूलिंग वूलिंग का काम इन नवाबों के ऊपर ही छोड़ देते हैं पर हम ऐसे व्यक्ति को नवाब बनाएंगे जो हमारी सुने जो हमें हमारा ट्रेड एक्सपैंड करने में हेल्प करे तो पपिट नवाब हमें चाहिए और मीर जाफर जिसने कंपनी का साथ दिया था सिराजुद्दौला को हराने में मीर जाफर को नया नवाब इसी वजह से कंपनी ने बना दिया कि ये हमारी सुनेगा हमारे हिसाब से चलेगा लेकिन ये पपिट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फेल क्यों हो गया अब नवाब साहब बन गए अब नवाब साहब को जनता को जनता से आंखें मिलानी है जनता में अपनी इज्जत मेंटेन रखनी है अब अगर नवाब हमेशा सिर्फ कंपनी की सुन रहा है कंपनी की जी हजूरी कर रहा है तो नवाब की टेरिटरी के जो लोग हैं वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और इसी वजह से नवाब को एक स्ट्रॉग स्टैंड लेना पड़ता था कंपनी के अगेंस्ट कई बार कंपनी के प्रोटेस्ट भी करना पड़ता था ठीक है अल्टीमेटली कंपनी को अपना पपेट नवाब मीर जाफर इसी वजह से हटाना पड़ा और फिर जो बाद में मीर कासिम जो नए नवाब बने फिर उनके साथ जंग भी लड़नी पड़ी जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो बैटल ऑफ बक्सर में तीन आपके मेन जो है वो आएंगे वो थे नवाब ऑफ़ अवध नवाब ऑफ़ बंगाल जिनका नाम था मीर कासिम और मुग़ल एम्पर ठीक है जी अल्टीमेटली 1765 तक आते आते कंपनी को समझ आ गया कि ये पपेट गवर्नमेंट वाला सिस्टम चलेगा नहीं और क्लाइव ने डिक्लेयर किया कि हमें अपने आप को नवाब बनाने का समय आ गया है ठीक है अल्टीमेटली बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया सत्रह सौ में जिसमें नवाब ऑफ अवध नवाब ऑफ बंगाल और मुगल एम्पायर को हराया गया और हराने के बाद जब इन तीनों की फोर्सेस को हरा दिया गया नवाब ऑफ अवध को तो उन्होंने निकाल ही दिया बिल्कुल बाहर ठीक है नवाब ऑफ जो आपके बंगाल थे और जो मुगल बादशाह थे उनके साथ कंपनी ने ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद साइन की अलाहाबाद में अब देखो सवाल बन सकता है कि ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद किसके साथ साइन की ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद किस बैटल के बाद साइन की तो आपको आंसर अब पता चल गया तो ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद साइन की गई इस ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद में हुआ क्या सबसे पहले तो दीवानी राइट्स मिल गए मुगल बादशाह जो थे उन्होंने कंपनी को दीवानी राइट्स दे दिए बंगाल बिहार और उड़ीसा के कि जो भी टैक्स वगैरह कलेक्ट करने का काम है वो कंपनी करेगी और अब कंपनी के पास खजाना हाथ में लग गया कंपनी को एक बहुत रिच सोर्स ऑफ रेवेन्यू मिल गया क्योंकि टैक्सेशन तो काफ़ी कलेक्ट हो ही रहा था इंडिया में ठीक है इसने कंपनी की एक बहुत मेजर प्रॉब्लम सॉल्व की अब कंपनी को ब्रिटेन से इंग्लैंड से गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कंपनी को पहले ट्रेड करने के लिए कुछ भी सेल परचेज करना है तो ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर मंगाना पड़ता था करेंसी तो चाहिए ना अब वो जरूरत ही नहीं है क्योंकि कंपनी अपना खर्चा खुद निकालेगी कहाँ से इंडिया के इनकम से इंडिया में रेवेन्यू कहां से आएगा जो वो टैक्सेस कलेक्ट करेगी जो वो दीवानी कलेक्ट करेगी तो अल्टीमेटली बैटल ऑफ बक्सर के बाद हम क्या कहते हैं अब इंडिया का कॉलोनाइजेशन जो है इंडिया का कॉलोनाइजेशन जो है विल बी फाइनेंस्ड बाय इंडियाज रिसोर्सेज इंडियाज कॉलोनाइजेशन फाइनेंस्ड बाय इट्स ओन रिसोर्सेज ओके ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसने पूरी हिस्ट्री फिर आगे चल करके चेंज कर दी अल्टीमेटली ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जैसे कि मैंने आपको बताया दो लोगों के बीच में साइन की गई थी एक थे मुग़ल बादशाह शाह आलम और एक थे आपके नवाब ऑफ़ अवध और इट सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था पहले कि नवाब ऑफ़ अवध को साथ नहीं था वो नवाब ऑफ़ मैंने पहले आपको बताया कि नवाब ऑफ़ बंगाल और मुग़ल एम्प्रर के साथ ट्रीटी साइन की पर नवाब ऑफ़ अवध और मुगल एम्पर के साथ ट्रीटी साइन की गई थी ठीक है तो नवाब शुजाउद्दौला ने क्या एग्री किया कि एक तो वो अलाहाबाद और करा जो है वो शाह आलम टू को दे देंगे कंपनी को पचास लाख रुपए देंगे वॉर इन ठीक है उसके अलावा बलवंत सिंह जो बनारस के ज़मींदार थे उनको उनका पूरा एस्टेट वापस कर देंगे दो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट है शाह आलम टू जो मुगल बादशाह थे उन्होंने क्या कहा कि भाई वो अब दिल्ली में रहने की जगह अलाहाबाद में रिजाइड करेंगे ऑल राइट एंड अलाहाबाद नवाबा फवद ने उनको दिया उसके अलावा वो फरमान जारी करेंगे जिससे बंगाल बिहार और ओडिडा और उड़ीसा और, और, की जो दीवानी है वो कंपनी को दे दी जाएगी और कंपनी को ये दीवानी राइट्स देने के लिए कंपनी जो है एनुअली मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए देगी ठीक है उसके बाद कंपनी ने दीवानी राइट्स तो ले लिए लेकिन निज़ामत फंक्शंस जो है वो मुग़ल बादशाह के लिए छोड़ दिए निज़ामत फंक्शंस क्या होते थे मिलिट्री डिफेंस पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस तो ये सारे काम नहीं देखेगी कंपनी कंपनी सिर्फ टैक्स कलेक्ट करने का काम देखेगी ये सारे काम का, बादशाह को बोला उन्होंने मुगल बादशाह को बोला कि ये निज़ामत के काम सारे आप कर लो ठीक है और हम आप पर एहसान कर रहे हैं कि हम आपको निज़ामत फंक्शन दे रहे हैं इसके लिए आप हमें 53 लाख रुपीस दे दो ठीक है तो ये जो है आपकी ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद है एक बार पढ़ लेना क्वेश्चन एज इट इज एग्जैक्टली इतना डिटेल में नहीं जाएगा करके पूछेगा फिर भी एक आइडिया लगा रहेगा तो अगर मुश्किल सवाल बनाने की कोशिश करेगा तो अपना क्लियर हो जाएगा ठीक है चलो अब सेकेंड क्वेश्चन देखो इकोनॉमिक हिस्ट्री मैंने आपको बताया करते रहेंगे रिसोर्सेज और इकोनॉमिक ड्रेनेज और जो सारी चीजें हैं तो इकोनॉमिक हिस्ट्री से ही रिलेटेड है आपका रहेगा कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स कानपुर जमशेदपुर बिदर तीन कलोनियल सिटीज गिवन है और ये किसमें स्पेशलाइज करते थे लेदर स्टील कॉटन टेक्सटाइल इनमें से करेक्टली मैश्ड कौन सा है हाँ जी बताइए आसान सा सवाल है और अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो इजीली आंसर कर सकते हो क्वेश्चन एज इट इज एन सी आर टी में से उठाया गया है आंसर यहाँ पर क्या होगा देखो कानपुर में लेदर बिल्कुल ठीक है तो जिस हमें ऑप्शन बननी है वो हटा दो जमशेदपुर में स्टील जमशेदपुर तो जाना ही स्टील के लिए जाता था तो ऑप्शन टू भी बिल्कुल ठीक है तो जिसमें ऑप्शन टू नहीं है वो भी हटा दो ठीक है यानी कि हमारे पास ऑप्शन ए और डी बचा वन एंड टू और वन टू एंड थ्री और अब हमें पता होना चाहिए कि बिदर में क्या कॉटन टेक्सटाइल्स थे तो ये ऑप्शन गलत है बिदर में ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं थी तो ऑप्शन डी भी विल आल्सो बी रॉन्ग आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ओके तो कानपुर जो था लेदर वुलन और कॉटन टेक्सटाइल्स में स्पेशलाइज करता था जमशेदपुर स्टील में स्पेशलाइज करता था ओके और जो आपका बिदर है वहां पर कोई ऐसी कोई स्पेशल इंडस्ट्रियल सिटी नहीं थी उस समय में ओके तो इसीलिए आपको अब आप ऑप्शन थ्री जो है वो गलत हो जाएगा ऑप्शन फोर वंस अगेन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश ये बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है इनमें तुक्के भी चल जाते हैं ठीक है बच्चों ने जनरली इनके ऊपर ऐसे कोई स्पेशल नोट नहीं बनाया होता फिर भी आपको पता होना चाहिए ये इस तरह के क्वेश्चन जब करेक्ट होते हैं ना देखो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट हर कोई करके आएगा जिस बच्चे ने पेपर देने की सोची हुई है और जिस बच्चे ने पेपर क्लियर करने की सोची हुई है ना उसको चाहे कुछ ना आता हो वो ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आएगा क्योंकि इनमें वर्क की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है कि ठीक होगा तो आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी क्रॉप जो है वो ब्रिटिशर्स ने प्रमोट की जूट ऑपीएम टी इंडिको शुगर केन ठीक है अब किसी ने अगर हिस्ट्री की किताब एक बार ऊपर ऊपर से भी पढ़ी है ना तो जब हम कल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं कलोनियल रूल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जूट का जिक्र भी आता है ओपीएम के ऊपर भी कोई ना कोई इशू आता है टी के ऊपर भी आता है इंडिगो के ऊपर भी आता है शुगर केन के ऊपर भी आता है क्योंकि इनके ऊपर कोई ना कोई इशू आता है तो ऑटोमेटिकली आप तुक्का भी लगा सकते हो कि ऑप्शन डी इसका आंसर होगा और वही इसका आंसर यहां पर रहेगा ये सारे क्रॉप्स जो थे ये ब्रिटिशर्स इंडिया में कल्टिवेट करते थे और राइट ओके सो द ब्रिटिश रिलाइज दैट कंट्री साइड कुड नॉट ओनलील्ड रेवेन्यू इट कुड ऑल्सो ग्रो द क्रॉप्स दैट यूरोप रिक्वायर्ड सो 18th सेंचुरी के एंड तक कंपनी जो कल्टिवेशन ओपीएम और इंडिगो का पूरा एक्सपैंड कर चुकी थी और जो लेटर हाफ था सेंचुरी का उसमें कंपनी ने और क्रॉप्स जो है वो ग्रो करने शुरू किए जैसे जूट बंगाल में टी असम में शुगर केन आपका उत्तर प्रदेश में वीट पंजाब में कॉटन महाराष्ट्र और पंजाब में और राइस मद्रास में ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोशल रिफॉर्म के ऊपर वापस आ जाते हैं हु अमंग द फॉलोइंग फॉलोइंगज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज इस तरह के क्वेश्चन 2017 में पूछे भी गए हैं पहले भी हमने किए हैं फाउंडर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑलमोस्ट सारी फाउंडर और सोशल रिफॉर्म uh, uh, जो आपकी मूवमेंट है उनके फाउंडर मैं आपको करा दूंगा बाई एंड जब तक हम पेपर तक पहुंचेंगे ठीक है।, है तो प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन थे एम जी रनाडे आत्मारंग पांडुरंगा और आर जी भंडारकर और बाल शास्त्री जाम्बेकर इनमें से प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन थे? फैक्चुअल क्वेश्चन है। आत्मारंग चलिए तो देख लेते हैं थोड़ा सा प्रार्थना समाज के बारे में। तो केशव चंद्रा सेन इनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से डिटेल में पढ़ा है क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस इन्होंने फाउंड की क्या प्रॉब्लम्स थी सारा डिस्कस कर चुके हैं जिसने नहीं देखा वो देख लो तो केशव चंद्रा सेन ने आत्मरंग पाडुरंग को हेल्प किया टू फाउंड द प्रार्थना समाज और फाउंडेशन इसकी कहाँ हुई थी बॉम्बे इम्पोर्टेंट है भाई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रार्थना समाज की फाउंडेशन कहाँ पर हुई थी बॉम्बे में हुई थी बंगाल में हुई थी पंजाब में हुई थी लाहौर में हुई थी ठीक है इस ऑर्गेनाइजेशन को महादेव गोविंद रानाडे एमजी रणाडे रानाडे जैसे जो ग्रेट्स हैं उन्होंने भी ज्वाइन किया मैं आपको बात बताता हूँ हरियाणा सिविल सर्विसेज होता है जैसे स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है ना डिफरेंट स्टेट्स में सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है हरियाणा सिविल सर्विसेज़ का एग्ज़ाम हुआ था ईयर टू में और दो में उन्होंने एक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था कि महादेव गोविंद रानाडे ज्वाइंट समाज ज्वाइंट प्रार्थना समाज इन विच ईयर और ऑप्शन उन्होंने कितने क्लोज दिए थे मैं आपको बताता हूँ एटीन सिक्सटी नाइन एटीन सेवेंटी एटीन सेवनटी वन एटीन सेवेंटी टू और आजकल जो है यू पी एस सी या स्टेट सर्विसेज जैसे एग्जाम्स को भी कभी ना कहीं ना कहीं, कहीं ट्रैक पर रखता है ठीक है तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महादेव गोविंद रानाड़े ने कब ज्वाइन किया समाज को और राइट एंड इस सोसाइटी uh, को इस ग्रुप को बहुत ज़्यादा पॉपुलर इन्होंने बनाया इनके एफर्ट्स से Uh, एक ऑल इंडिया करेक्टर जो है इस ऑर्गेनाइजेशन ने गेन किया ये जो प्रार्थना समाज था ये भी आपके uh, राजा राममोहन रॉय के ब्राह्मो समाज की तरह मोनोथिज्म यानी कि वर्शिप ऑफ सिंगल गॉड गॉड गॉडेज को प्रमोट करता था और राइट एंड सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर इसका काफी ज्यादा फोकस था ये बात तो करता था मोनोथिज्म की पर इसका मेन एजेंडा जो था रिलीजन को रिफॉर्म करना नहीं था सोसाइटी में रिफॉर्म लाना था ऑलराइट चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हु अमंग द फॉलोइंग विच अमंग फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट अबाउट द यंग बंगाल मूवमेंट ठीक है यंग बंगाल मूवमेंट को कवर कर लेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू तो पहला स्टेटमेंट है ऑप्शन ए क्या कहता है द मूवमेंट सपोर्टेड द वुमेंस राइट एंड एजुकेशन ऑप्शन बी कहता है द फॉलोअर्स ऑफ द यंग बंगाल मूवमेंट वर ऑल्सो कॉल्ड डेरोजियंस ऑप्शन सी कहता है द मूवमेंट सक्सेसफुली टुकअ द कॉज ऑफ प्रेजेंट एंड ऑप्शन डी कहता है ऑल ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट दैट इज इनमें से कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है क्या आंसर होगा ओके सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी ऑप्शन सी ठीक है मूवमेंट ने प्रेजेंट का कॉज नहीं लिया था एंड दिस वॉज वन ऑफ द रीजन इसके अनसक्सेसफुल होने की वजह से तो यंग बंगाल मूवमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं तो 1820s और 1830s के पीरियड में एक रेडिकल इंटेलेक्ट मूवमेंट जो है वो इमर्ज होने लगी एंड इट केम टू बी नॉन एज द यंग बंगाल मूवमेंट और यंग बंगाल मूवमेंट के फाउंडर कौन थे ही वॉज एंग्लो इंडियन एंड हिज नेम वॉज हेनरी विविन डेरोजियो तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि यंग बंगाल मूवमेंट की फाउंडेशन किसने की हु वॉज द फाउंडर हिंदू कॉलेज में ये भाई साहब पढ़ाते थे ऑल राइट एंड ही वॉज ग्रेटली इंस्पायर्ड बाई आइडियाज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन और जो भी डेरोजियो uh, के फॉलोअर्स थे या पीपल्स थे ये उनको इंस्पायर करते थे कि वो फ्रीली और रैशनली सोचें अथॉरिटीज़ को क्वेश्चन करें लिबर्टी से प्यार करें इक्वालिटी एंड फ्रीडम की बात करें और कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस जो है उनको कंप्लीटली ऑपोजिशन में ये मूवमेंट जो है खड़ी थी ठीक है तो जो डेरो देरोजी, डेराजियो के या जो है यंग बंगाल मूवमेंट के फॉलोअर्स थे उनको डेरोजियंस के नाम से भी जाना जाने लगा जो आपके क्वेश्चन में भी था स्टेटमेंट द डेराजियंस बिकॉज ये लिबरल लोग थे फ्रीडम और इक्वालिटी की बातें करते थे दैट इज वाई दे ऑल्सो सपोर्टेड वुमेन्स राइट एंड एजुकेशन तो ये भी आपका एक स्टेटमेंट था जो करेक्ट हो जाता है लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इंपैक्ट नहीं बना पाए जो इनका जो सक्सेस था वो इतना ज्यादा ये मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाई कुछ समय बाद ये मूवमेंट खत्म होगी उसके कई कारण थे एक तो हेनरी विवियन डेरोजियो की डेथ ही डाइड वेरी यंग ऑलराइट अगर आप देखो बहुत यंग एज में जो है इनकी डेथ हो गई ऑल right, दूसरा फैक्टर क्या था कि जो ये बातें कर रहे थे उस समय की सोशल कंडीशंस के हिसाब से वो बहुत ऊपर की बातें थी उस समय की सोसाइटी इनकी उन बातों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी जितनी ये मॉडर्न बातें उस टाइम पर कर रहे थे एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बन रही थी लोगों में जैसे आज की डेट में अगर आप देखते हो आज की डेट में अगर आप आप में से कोई इंडिया में अगर इंटर कास्ट मैरिज की बात करता है इंटर कास्ट मैरिज की बात करता है या इंटर रिलीजियस मैरिज की बात करता है तो कहीं ना कहीं फिर भी लोगों में वो थोड़ी बहुत सहनशीलता बन चुकी है कि वो सुन लें इसको ऐसे सुन के कोई हैरान नहीं होगा ठीक है लेकिन आज से 200 साल पहले इंटर कास्ट मैरिज और इंटर रिलीजियस मैरिज इंडिया में सोसाइटी हिल जाती थी सिमिलरली अगर हम आज बात करते हैं एल जी बी की ठीक है तो अगर इस कम्युनिटी के दो लोग आपस में शादी करने की बात करते हैं तो आज की सोसाइटी उसको उतने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाती आज से क्या अब तक दस साल बीस साल बाद की सोसाइटी उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर पाए कर पाए तो डेरोजियस जो बात कर रहे थे वो टाइम से काफी ज्यादा आगे थी और एंड दे also were not having any support from any social group or class okay and you know ye masses ke sath link nahi bana paaye masses ke sath connectivity nahi bana paaye and they also failed to take up the peasants cause jiski wajah se ye ultimately movement fail ho gaya alright, right to ye बहुत important है इसमें से क्योंकि ये मूवमेंट्स young Bengal movement और ये सब social reforms की movement कहीं पर बहुत छोटी छोटी सी movements हैं जो छूट जाती हैं और examiner इसी में से एक क्वेश्चन निकाल के बना देता है ऑलराइट चलिए तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर ख़त्म करेंगे पांच क्वेश्चन हमारे हो गए हैं पांच क्वेश्चन के हैं लेकिन डिटेल काफ़ी ज़्यादा उसमें हमने कवर कर लिया है राइट तो चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर करना है शेयर जरूर करना है बहुत सारे बच्चों के कंटिन्यूसली कमेंट्स आ रहे हैं कि आप पेड कोर्स जो है वो लेना चाहते हैं एमसीक्यूज का ठीक है तो पेड कोर्स में अभी थोड़ा सा काम चल रहा है थोड़ा सा अपडेशन चल रहा है ठीक है वो अपडेशन हो जाएगा एक बार तो फिर आपका पेड कोर्स जो है उसको हम प्लेटफॉर्म ओपन कर देंगे परचेज के लिए उसमें भी एक दो दिन का समय लगेगा ठीक है तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय